हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी करंटली न्यूज़ में रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम, ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट दिया हुआ है आपको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसे बोलते हैं DRDO। ठीक है, आपका DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इनका फुल फॉर्म क्या है। जैसे DRDO की बात हुई यहाँ पे, तो DRDO का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला देखते हैं, अगला दिया हुआ है आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL बोलते हैं इसे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर भी आपका नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं, थर्ड दिया हुआ है आपको लार्सेन एंड टर्बो, जिसे LNT बोलते हैं। पता ही होगा आपको LNT कंपनी, जिसने राम मंदिर के निर्माण का कार्य सौंपा गया था इसे। राम मंदिर का पूरा मंदिर बनाने का जो ट्रस्ट था वो LNT कंपनी को ही दिया गया था। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना, लार्सेन एंड टर्बो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में स्थित है इसका। ठीक है, मुंबई में है आपका LNT कंपनी का हेडक्वार्टर। आगे दिया हुआ है आपको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे बोलते हैं TRAI, TRAI, TRAI होता है ये, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना TRAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। आगे दिया हुआ है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की बोलते हैं इसे ही। ठीक है, फुल शॉर्ट फॉर्म है इसका फिक्की, FICCI। इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है आपका? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था ये, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला दिया हुआ है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, TTFI, इसका फुल फॉर्म क्या है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। आगे बढ़ते, अगला दिया हुआ है आपको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सभी ने सुना है इसके बारे में, तो इसरो है ये। इसरो का फुल फॉर्म है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है आपका इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला दिया हुआ है इंडिया मोटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडिया मोटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला दिया हुआ है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI बोलते हैं इसे, FSSAI, FSSAI। ये आपका फूड के लिए एक टैग होता है, जो आप कुछ भी सामान खरीदते हो बाज़ार से, तो आपको एक हरा बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर हरा निशान मिलेगा, ये आपका इसी का टैग होता है FSSAI का। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना इसे, इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला दिया हुआ GMR ग्रुप का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? ये भी आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला दिया हुआ है स्काई रूट एरो स्पेस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? हैदराबाद में। ठीक है, स्काई रूट एरो स्पेस जो है, इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में स्थित है। अगला दिया हुआ है बेल्ट्रिप एरो स्पेस, इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, बेल्ट्रिक्स एरो स्पेस का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु शहर में स्थित है। अगला दिया हुआ है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, TERI, इसका फुल फॉर्म है आपका द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसे बोलते हैं TERI। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? नई दिल्ली में। ठीक है, अधिकतर के हेडक्वार्टर आपके नई दिल्ली में स्थित है, तो ध्यान रखना इसे। आगे देखते, अगला दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, शॉर्ट फॉर्म है इसका PGIMER। PGIMER का फुल फॉर्म याद रखना आपको, क्या दिया हुआ है? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? इसका हेडक्वार्टर है आपका चंडीगढ़ में। ठीक है, PGIMER का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है, ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ध्यान रखना। PGIMER का फुल फॉर्म
और उसका हेडक्वार्टर। फुल फॉर्म है आपका पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। अगला दिया हुआ है एयर फोर्स स्टेशन येलहंका, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, बेंगलुरु में। ठीक है, एयर फोर्स स्टेशन येलहंका का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, बेंगलुरु शहर में स्थित है। अगला दिया हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, हेल बोलते हैं इसे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु शहर में स्थित है। अगला दिया हुआ है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसे बोलते हैं CBI, पता ही है सभी को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हमारे भारत की जांच एजेंसी है ये। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, इसका हेडक्वार्टर भी आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला दिया हुआ है बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम में, हरियाणा में। आप इसका एक अनुमान भी लगा सकते हो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो सकता है। बॉक्सिंग, आप कुश्ती के बारे में जानते हो, कुश्ती आपकी अधिकतर कहाँ होती है, हरियाणा में फेमस है आपकी कुश्ती, हरियाणा के लोग कुश्ती के लिए ही जान जाते हैं। तो हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया का, और हरियाणा में कहाँ पे, गुरुग्राम में, इस तरह से आप याद रख सकते हो। अगला दिया हुआ है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ONGC का फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है, उसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अगला दिया हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड होता है इसका फुल फॉर्म, BEL का, BEL, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, बेंगलोर में स्थित है इसका। ठीक है, बेंगलोर में है आपका BEL का हेडक्वार्टर। अगला दिया हुआ है ICRA लिमिटेड, ICRA का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, ये भी आपका गुरुगांव में है, गुरुगांव कहाँ पे आपका, हरियाणा में। ठीक है, तो ध्यान रखना ICRA का हेडक्वार्टर आपका गुरुगांव में। अगला दिया हुआ SBI कार्ड, SBI कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, ये भी गुरुग्राम में है, हरियाणा में है ये भी। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा, ये गुरुगांव और गुरुग्राम। ठीक है, अगला दिया हुआ है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एक्जिम बैंक होती है ये, इसका फुल फॉर्म होता है आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, मुंबई में, 90% बैंक का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में ही मिलेगा आपको। ठीक है, 90%, तो ध्यान रखना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है, एक्जिम बोलते हैं इसे, एक्जिम का फुल फॉर्म है आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अगला दिया हुआ है टाटा मोटर्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, मुंबई में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई में है ये आपका टाटा मोटर्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलोर कर्नाटक में। ठीक है, फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, बेंगलोर कहाँ आता है आपका, कर्नाटक स्टेट में आता है। ठीक है, ध्यान रखना फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर बेंगलोर में। अगला दिया हुआ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि ISA, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में हो जाएगा, और गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इसका फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम में है, और गुरुग्राम आपका हरियाणा में आता है। ठीक है, तो हमारी ये हेडक्वार्टर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पे, ये टॉप जितने भी क्वेश्चन थे सभी आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज़ में रहे हैं, तो आपकी एग्ज़ाम में ये पूछे जाने की संभावना 100% रहेगी, तो इन्हें एक बार ज़रूर पढ़ के जाना। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, पास में जो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, थैंक यू गाइज़।